मनुष्य अपने शील गुण के कारण ही परलोक में शांति पाता है। जिसका चित्त योग युक्त नहीं है, उसे समत्व बुद्धि नहीं प्राप्त होती। योग के बिना सुख भी नहीं मिलता। दुखों का त्याग और धैर्य ये ही दोनों सुख के मूल हैं। प्रिय वस्तु प्राप्त होने पर हर्ष होता है। हर्ष से अभिमान बढ़ता है और अभिमान नरक में ले जाने वाला है। इसलिए मैं उन तीनों का त्याग करता हूँ। शोक, भय और अभिमान ये प्राणियों को सुख दुख में डालकर मोहित करने वाले हैं। इसलिए जब तक यह देह चेष्टा कर रहा है, तब तक मैं इन सबको साक्षी की भांति देखता हूँ, तथा अर्थ, काम, शोक, संताप, तृष्णा और मोह का परित्याग करके निर्द्वंद होकर इस पृथ्वी पर विचरता हूँ। जैसे अमृत पीने वाले को मृत्यु से भय नहीं होता, उसी प्रकार मुझे भी इहलोक या परलोक में मृत्यु, अधर्म, लोभ तथा दूसरे किसी से भय नहीं है। नारद जी, मैंने महान और अक्षय तप करके यही ज्ञान पाया है, इसलिए शोक उपस्थित होकर भी मुझे दुख में नहीं डालता। युधिष्ठिर ने पूछा, पितामह, जो शास्त्रों के तत्व को नहीं जानता, जिसका मन सदा संशय में पड़ा रहता है, तथा जिसने परमार्थ के लिए कोई निश्चित ध्येय नहीं बनाया है, उस पुरुष का कल्याण कैसे हो सकता है? यह बताने की कृपा कीजिए। भीष्म जी ने कहा, युधिष्ठिर, सदा गुरु जनों की पूजा, वृद्ध पुरुषों की उपासना और शास्त्रों का श्रवण ये तीन कल्याण के अमोघ साधन हैं। इस विषय में भी देवऋषि नारद और महर्षि गालव के संवाद रूप प्राचीन इतिहास का उदाहरण दिया जाता है। एक समय गालव मुनि ने कल्याण प्राप्ति की इच्छा से ज्ञानानंद से परिपूर्ण एवं मन को सदा वश में रखने वाले देवऋषि नारद जी के पास जाकर उनसे इस प्रकार प्रश्न किया, भगवन, आप उत्तम गुणों से युक्त हैं और ज्ञानी हैं, तथा मैं आत्म तत्व से अनभिज्ञ एवं मूढ़ हूँ, अतः आप मेरे संदेहों को दूर करें। शास्त्रों में बहुत से कर्तव्य कर्म बताए गए हैं, किंतु वे सब मेरे लिए एक से हैं। उनमें से जिसके अनुष्ठान से मेरी ज्ञान में प्रवृत्ति हो सकती है, उसका मैं निश्चय नहीं कर पाता। उसे आप ही निश्चय करके बता दें। सभी आश्रम भिन्न-भिन्न कर्तव्यों की ओर दृष्टि डालते हैं, तथा यह श्रेष्ठ है, यह श्रेष्ठ है, ऐसा कहते हुए वे सब लोगों से अपने ही सिद्धांतों की श्रेष्ठता का प्रतिपादन करते हैं। दूसरी ओर विभिन्न शास्त्रों के द्वारा भांति-भांति के उपदेश पाकर मनुष्य नाना प्रकार के शास्त्रीय कर्मों में स्थित है और सभी अपने-अपने शास्त्रों की प्रशंसा करते हैं। इधर मैं भी अपने शास्त्र से ही संतुष्ट हूँ। ऐसी दशा में उनको और अपने को समान रूप से संतुष्ट देखकर मुझे कल्याण प्राप्ति के उपाय का ठीक-ठीक निश्चय नहीं हो पाता। यदि शास्त्र एक होता तो श्रेय का उपाय स्पष्ट रूप से समझ में आ जाता, किंतु बहुत से शास्त्रों ने मिलकर श्रेय मार्ग को अत्यंत गूढ़ बना डाला है, जिससे अब वह संशयग्रस्त जान पड़ता है। इसलिए मैं आपकी शरण में आया हूँ। कृपा करके मुझे श्रेय के वास्तविक मार्ग का उपदेश कीजिए। नारद जी ने कहा, तात, आश्रम चार हैं और शास्त्रों में उनकी पृथक-पृथक कल्पना की गई है। तुम गुरु की शरण लेकर उन सबको यथार्थ रूप से जानो। उन चारों आश्रमों के स्वरूप और गुण आदि भिन्न-भिन्न हैं। स्थूल दृष्टि से विचार करने पर वे सर्वोत्तम अभीष्ट अर्थात श्रेय मार्ग का निश्चयात्मक ज्ञान नहीं करा पाते। कुछ सूक्ष्मदर्शी विद्वानों ने ही आश्रमों के परम तत्व को ठीक-ठीक समझा है। जो अच्छी तरह कल्याण करने वाला और संशय से रहित हो, उसे ही श्रेय कहते हैं। सुहृदों पर अनुग्रह करना, शत्रु भाव रखने वाले दुष्ट पुरुषों को दंड देना, तथा धर्म, अर्थ और काम का संग्रह करना,
इन सबको विद्वान पुरुष श्रेय कहते हैं। पाप कर्म से दूर रहना, पुण्य कर्मों का निरंतर अनुष्ठान करना, सत्पुरुषों के साथ रहकर सदाचार का ठीक-ठीक पालन करना, संपूर्ण प्राणियों के प्रति कोमल और व्यवहार में सरल होना, मीठी वाणी बोलना, देवताओं, पितरों और अतिथियों को उनका भाग देना तथा भरण पोषण करने योग्य व्यक्तियों का त्याग न करना, यह श्रेय का निश्चित साधन है। सत्य बोलना भी श्रेयस्कर है, किंतु सत्य को यथार्थ रूप से जानना कठिन है। मैं तो उसे सत्य ही कहता हूँ, जिससे प्राणियों का अत्यंत हित होता हो। अहंकार का त्याग, प्रमाद को रोकना, संतुष्ट होना, अकेले रहकर धर्म का पालन, धर्माचरण पूर्वक वेद और वेदांतों का स्वाध्याय तथा उनके सिद्धांत को जानने की इच्छा कल्याण का अमोघ साधन है। जिसे कल्याण प्राप्ति की इच्छा हो, उस मनुष्य को शब्द, रूप, रस, स्पर्श और गंध इन विषयों का अधिक सेवन नहीं करना चाहिए। रात में घूमना, दिन में सोना, आलस्य, चुगली, गर्व, अधिक परिश्रम करना तथा परिश्रम से बिल्कुल दूर रहना, ये सब बातें श्रेय चाहने वाले के लिए त्याज्य हैं। दूसरों की निंदा करके अपनी श्रेष्ठता सिद्ध करने का प्रयत्न न करें। साधारण मनुष्यों की अपेक्षा जो अपने में विशेषता है, वह उत्तम गुणों द्वारा ही प्रकट होनी चाहिए। गुणहीन मनुष्य ही अधिकतर अपनी तारीफ के पुल बांधा करते हैं। वे अपने में गुणों की कमी देख दूसरे गुणवान पुरुषों के दोष बताकर उन पर आक्षेप किया करते हैं। यदि कहीं वे कुछ पढ़ जाएं, तब तो घमंड में आकर अपने को महापुरुषों से भी अधिक गुणी मानने लगें। किंतु जो दूसरे किसी की निंदा तथा अपनी प्रशंसा नहीं करता, ऐसा सर्वगुण संपन्न विद्वान ही महान यश का भागी होता है। फूलों की पवित्र एवं मनोहर सुगंध बिना बोले ही महक कर अनुभव में आ जाती है, तथा सूर्य भी बिना कुछ कहे ही आकाश में सबके समक्ष प्रकाशित हो जाता है। इसी प्रकार संसार में बहुत सी ऐसी वस्तुएं हैं जो बोलती नहीं, किंतु अपने यश से प्रकाशित होती रहती हैं। मूर्ख मनुष्य केवल अपनी प्रशंसा करने से ही संसार में ख्याति नहीं पा सकता, किंतु विद्वान पुरुष गुफा में छिपा रहे तो भी उसकी सर्वत्र सिद्धि हो जाती है। बुरी बात जोर-जोर से कही जाए तो भी वह शांत हो जाती है, अर्थात लोक में उसका आदर नहीं होता, किंतु अच्छी बात धीरे से कहने पर भी संसार में प्रकाशित होती रहती है, उसका सबके ऊपर प्रभाव पड़ता है। घमंडी मूर्खों की कही हुई बहुत सी असार बातें उनके दूषित हृदय का ही परिचय देती हैं। इस कारण अच्छे लोग प्रज्ञा की खोज करते हैं। मुझे तो सब प्राणियों के लिए ज्ञान की प्राप्ति ही अच्छी जान पड़ती है। बुद्धिमान पुरुष ज्ञानवान होने पर भी बिना पूछे किसी को कोई उपदेश न करे, अन्याय पूर्वक पूछने पर भी किसी के प्रश्न का उत्तर न दे, जड़ की भांति चुपचाप बैठा रहे। मनुष्य को सदा धर्म में लगे रहने वाले साधु महात्माओं तथा स्वधर्म परायण उदार पुरुषों के समीप निवास करने का विचार करना चाहिए, जहां चारों वर्णों के धर्मों का परस्पर सम्मिश्रण होता हो, वहां श्रेय की इच्छा वाले पुरुष को कभी नहीं रहना चाहिए। किसी कर्म का आरंभ न करने वाला और जो कुछ मिल जाए उसी से संतुष्ट रहने वाला पुरुष भी पुण्य आत्माओं के साथ रहने से पुण्य और पापियों के संसर्ग में रहने से पाप का भागी होता है। जैसे जल और अग्नि के संसर्ग से क्रमशः शीत और उष्ण स्पर्श का अनुभव होता है, उसी प्रकार पुण्य आत्मा और पापियों के संग से पुण्य एवं पाप दोनों का संयोग हो जाता है। विकसाशी पुरुष रसास्वादन की ओर दृष्टि न रख करके ही भोजन करते हैं, किंतु जो अपनी रसना का विषय समझकर स्वादु अस्वादु का विचार रखते हुए भोजन करते हैं,
उन्हें कर्म पाश में बंधे हुए समझना चाहिए। जहां ब्राह्मण अन्याय पूर्वक प्रश्न करने वाले पुरुषों को धर्म का उपदेश करता हो, आत्मज्ञानी को उस देश का परित्याग कर देना चाहिए। जहां के लोग बिना किसी आधार के ही विद्वानों पर दोषारोपण करते हो, वहां कौन रहेगा? जहां लालची मनुष्यों ने प्राय धर्म की मर्यादा तोड़ डाली हो, उस देश को कौन नहीं त्याग देगा? परंतु जहां के लोग मात्सर्य और शंका से रहित होकर धर्माचरण करते हो, वहां पुण्यशील महात्माओं के पास अवश्य निवास करना चाहिए। जिस देश में मनुष्य धन के लिए धर्म का अनुष्ठान करते हो, वहां कभी ना रहें, क्योंकि वहां के निवासी पापी होते हैं। जहां जीवन रक्षा के लिए लोग पाप कर्म से जीविका चलाते हो, जहां राजा और उसके सेवकों में कोई अंतर ना हो, तथा जहां के मनुष्य अपने कुटुंबी जनों के पहले ही भोजन कर लेते हो, उस राष्ट्र को ज्ञानी पुरुष त्याग दे। जहां धर्म में श्रद्धा रखने वाले सनातन धर्मी श्रोत्रिय ब्राह्मण ही यज्ञ कराने और पढ़ाने के कार्य में नियुक्त हो, तथा उन्हीं लोगों को पहले भोजन कराया जाता हो, उस देश में निवास करना उचित है। जहां स्वाहा, स्वधा तथा वशटकार का भली भांति अनुष्ठान होता हो, जहां के लोग बिना मांगे ही भिक्षा देते हो, जहां दुष्टों को दंड दिया जाता हो और साधु पुरुषों का सम्मान किया जाता हो, वहां पुण्यशील महात्माओं के बीच निवास करना चाहिए। जो जीतेंद्रिय पुरुषों पर क्रोध और साधु महात्माओं के प्रति अत्याचार करते हो, उन लोभी और उदंड पुरुषों को जिस देश में अत्यंत कठोर दंड दिया जाता हो, तथा जहां का राजा सदा धर्म परायण होकर धर्मानुसार ही राज्य का पालन करता हो और संपूर्ण कामनाओं का स्वामी होकर भी विषय भोग से विमुख रहता हो, वहां बिना विचारे ही निवास करना चाहिए, क्योंकि राजा के शील स्वभाव जैसे होते हैं, वैसी ही उसकी प्रजा भी होती है। वह अपने कल्याण का समय उपस्थित होने पर अपनी प्रजा का भी कल्याण करता है। तात, तुम्हारे प्रश्न के अनुसार यह मैंने श्रेय मार्ग का संक्षेप से वर्णन किया है। विस्तार से तो आत्मकल्याण की परिगणना हो ही नहीं सकती। जो इस प्रकार की वृत्ति से रहकर जीविका चलाता और प्राणियों के हित में मन लगाए रहता है, उस पुरुष को स्वधर्म रूप तप के अनुष्ठान से इस लोक में ही परम कल्याण की प्राप्ति हो जाएगी।